इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। देखिए फैसला कभी भी आए और हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही उसको जुडिशियल फैसला जो होता है उसमें बुरी होता है। अब फैसला आते ही जो रिएक्शन आए थे कई बार, हम चाहते हैं पहले फैसला आए उसका विश्लेषण हो तब मालूम है असली फैसला होता क्या है। तो जनता को आगाह करना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि आप कि लोग भड़काव में आकर के माहौल ख़राब कर दें। इसलिए कल हम रात को मीटिंग करी है, बीबीसी है वीडियो के माध्यम से कलेक्टर ऐसी बात कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित करें पूरे राजस्थान के अंदर या भाईचारा प्रेम सद्भाव बना रहे, ये बात है। बाकी ड्रिल चल रही है, जो पुलिस ड्रिल होती है वो ड्रिल चलती है, चलती रहेगी और हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र रहेगी, कोई भड़काऊ ऐसी बात नहीं करे जिसके कारण से तनाव पैदा हो। और मुझे उम्मीद है कि सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग बहुत समझदार हैं और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली, क्योंकि लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही है। अगर 25-30 साल हो गए इस बात को लेकर के, तो देश की चिंता सबको पहले करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अयोध्या मसले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के संभावित फैसले को लेकर पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में व्यापक चौकसी एवं सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने बुधवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में सभी धर्मों, जाति एवं समुदायों में आपसी सद्भाव एवं भाईचारे की महान परंपरा रही है। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं और उसके साथ ही प्रदेश में सद्भावना बनाए रखने की अपील भी की है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत एवं और भ्रामक सूचनाओं पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखें और समाज के प्रतिष्ठित लोगों, धार्मिक संगठनों तथा शांति समितियों के संपर्क में रहकर उन्हें विश्वास में लेकर सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें। देखिए आज VC का ये मकसद था कि जितने भी अधिकारी हैं जिले में जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों चाहे हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हों, उन सभी को इस बारे में सेंसिटाइज करने के लिए आज मीटिंग रखी गई थी कि शीघ्र ही अयोध्या प्रकरण पर एक निर्णय आने वाला है। उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी लोग जो कि क्षेत्र में कोई अपना दबाव रखते हैं लोगों पर, वर्चस्व रखते हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित कर ले अधिकारी और ऐसे लोग को चिन्हित कर ले जो लोग किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था बिगाड़ने के कारक हो सकते हैं, जो रेडिकल हैं, जो कि किसी एक ही धर्म के को लेकर के उत्तेजित और उग्र बातें करते हैं, उन्हें पाबंद कर दिया जाए कि निर्णय चाहे जो भी आए ना तो उस निर्णय को लेकर के किसी अन्य धर्म के लोगों पर कोई कमेंट किया जाए और ना ही कोई ऐसा सेलिब्रेशन किया जाए जिससे कि लोगों की भावनाएँ भड़क सकें। तो शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय को किस प्रकार से लोग लें उसके लिए उनको ब्रीफ किया गया अधिकारियों को। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, CLG सदस्यों को बुलाएंगे, अन्य सदस्यों को बुलाएंगे, सामाजिक संगठनों को बुलाएंगे और उन्हें बुला करके पाबंद करेंगे कि वो जिन जिन लोगों को जानते हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि निर्णय कोई भी हो शांतिपूर्ण तरीके से उस निर्णय को लेंगे लोग सभी। और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि समस्याएं खड़ी कर सकते हैं उन्हें अभी से पाबंद करा दिया जाए ताकि वो कोई भी व्यवस्था नहीं बिगाड़े और कानून व्यवस्था जो है